सोलन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आज भी जिला में कोरोना के करीबन 42 मामले सामने आए हैं। कोरोना से प्रभावित होकर रोज लोग अब अपना दम भी तोड़ने लगे हैं। इस मौत के आंकड़े में भी लगातार वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि सोलन वासियों में कोरोना के प्रति अब खौफ बढ़ने लगा है। अब वे खांसी जुकाम होने पर तुरंत सोलन अस्पताल का रुख कर रहे हैं। सोलन के अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाने वालों की लंबी कतारें लगनी आरंभ हो चुकी हैं। कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग भी ज्यादा नहीं होती है। लोग जल्दी के चक्कर में सभी नियम कायदे भूल रहे हैं। अस्पताल में स्थान के अभाव के कारण कोविड का टेस्ट भी वहीं हो रहा है जहां अस्पताल का मुख्य द्वार है, और वहीं दवा और पर्ची काटने का भी काउंटर है, जिसके चलते वहां अधिक भीड़ जुट जाती है। यही वजह है कि अस्पताल में भी कोरोना संक्रमण फैलने का ज्यादा अंदेशा रहता है। रोष जताते हुए लोगों ने कहा कि अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि कोरोना की टेस्टिंग मुख्य द्वार से हटाकर किसी अन्य स्थान पर करनी चाहिए, ताकि अगर कोई कोरोना संक्रमित वहां टेस्ट करवाने के लिए पहुंचे तो उससे कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा कि मुख्य द्वार पर पहले ही भीड़ बेहद ज्यादा रहती थी, लेकिन अब यही कोविड टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह पाती है और हमेशा ही लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े नजर आते हैं। एक ही स्थान पर पर्ची कट रही है, वही रोगी दवाई भी ले रहा है, वही साथ में कोरोना का टेस्ट भी हो रहा है, जिसकी वजह से कोरोना यहाँ आकर ज्यादा फैल सकता है और स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। इसलिए कोविड टेस्ट केंद्र को यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए। इसके लिए तो ये इनका जो टेस्टिंग का जो बूथ है ये अलग होना चाहिए, कहीं अलग से। यहाँ पे देखो आम जनता भी यहीं चल रही है, पेशेंट भी जा रहा है, सिंपल आदमी भी आ रहा है, और टेस्टिंग वाली लाइन भी वहीं लगी है। अब हो सकता है उसमें कोई संक्रमित हो तो वो उसको चांसेस ज़्यादा है उसको लेने के। ये बूथ अलग होना चाहिए कहीं से पढ़ना। लापरवाही का तो ऐसा देखो, लोगों को पहले खुद भी ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं कि जो मेन मुख्य द्वार है वहाँ पर भी खूब सारे लोग हैं। पर्ची वाली लाइन अलग से लगी है, जब कोरोना टेस्टिंग वाली लाइन है उसमें भी वही हाल है, लोग पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, कोई डिस्टेंसिंग वाला काम तो मुझे लगा नहीं यहाँ पर। अभी देख रहे हैं अब अगर इसी हिसाब से लोग जुड़े रहे, ये चलते रहे, तो इसी हिसाब से तो कोरोना बढ़ेगा ही, घटने का तो कोई लगता नहीं है कि घटता भी है। तो आप क्या मानते हैं इसमें किसकी लापरवाही है? लापरवाही तो जो यहाँ पर जो पुलिसकर्मी रखे या तो देख ले, या आदमी को खुद भी चाहिए, जितने लोग यहाँ पे खुद का ध्यान रख, खुद स्वयं रखे, इसमें प्रशासन भी कितना रखेगा ध्यान। अच्छा, आपने देखा है कि इतना रश हुआ हुआ इकट्ठा, कोई यहाँ पे किसी को बोलने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है, इतनी कोरोना महामारी फैली हुई है, ठीक है, फिर भी किसी को कोई परवाह नहीं किसी चीज़ की। सेफ कहाँ है, उल्टे जो ठीक भी होंगे वो भी बीमार हो जाएंगे यहाँ के, तो संक्रमित का खतरा बढ़ जाएगा, उनके लिए कुछ भी हो सकता है। सर गलती तो सबकी है, देखो होम गार्ड या स्टाफ की बात करें तो सबकी गलती है, बट लोगों की भी गलती है जो समझते नहीं है। पहले सबसे पहले जो है लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा।